हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो कि शायद और किसी के थ्रू आपको अब तक पता नहीं लगी होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, जो मेरे थंबनेल पे आप देख रहे हैं कि क्या करें, ऐसी क्या टेक्निक हो सकती है, ऐसा क्या उपाय हो सकता है कि अगर कोई शेयर हम खरीदना चाहते थे और नहीं खरीद पाए और वो अपट्रैक्स पे आ गया, फिर हमने सोचा खरीदे नहीं खरीद पाए, फिर और अपट्रैक्स पे आ गया, अब हमें लग रहा है कि उस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और वो इतने अपट्रैक्स पे आ गया कि यहाँ से और भी अपट्रैक्स पे जा सकता है और डाउन ट्रैक पे भी आ सकता है, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट भी करना है क्योंकि अब हम मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। लेकिन कन्फ्यूज़न वही हमारे दिमाग में कि क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। सीधा सा सिंपल सा सिस्टमेटिक उपाय मैं आपको बताता हूँ जो मैं खुद भी करता हूँ, क्योंकि शेयर इतने होते हैं मेरे पास कि कभी कभी तो मेरे पास भी पैसे कम पड़ जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हालाँकि शुरुआत से ही सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट मैंने किए हैं, सेविंग्स भी किए हैं और वर्किंग कैपिटल हमेशा मेरे हाथ में रहती है इन्वेस्टमेंट करने के, लेकिन फिर भी मेरी रिसर्च एनालिसिस के अकॉर्डिंग या मेरे सिस्टम्स के अकॉर्डिंग मेरे पास भी कभी कभी अमाउंट शॉर्ट हो जाता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के। लेकिन करना क्या चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। आज एग्जाम्पल लेते हैं एक IRFC शेयर, 2021 में सोचा कि 15 आएगा लेकिन 35 चला गया, इन्वेस्टमेंट करने वाला इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया। 35 पे आया तो सोचा कि यार अब ये 25 तक वापस आएगा, डाउनफॉल पे आएगा, 29-30 तक तो उतर ही गया, फिर इन्वेस्टमेंट करना भूल गया, शेयर 40 तक आ गया। 40 तक आते फिर हमने सोचा अरे यार थोड़ा सा देखते हैं, सोचते हैं ये 35 तक आएगा, और देखते देखते वो शेयर 70 रुपये आ गया। 70 रुपये तो और भी विकट स्थिति हो गई कि 70 रुपये पर इन्वेस्टमेंट कैसे करें अब, क्योंकि ये शेयर तो 70 रुपये आ चुका, अभी इतना ऊपर आ गया तो कुछ दिन बाद नीचे जरूर आएगा तब इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन वो 90 रुपये चला गया। अब वो 70 से 90 के बीच में ही शेयर क्या करें, मैं आपको क्लियरली सटीक एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ कि जिससे कि आप कभी भी ऐसे शेयर में कन्फ्यूज हो तो आप क्या कर पाएंगे आपको पता चलेगा और आप वही करेंगे जो मैं बता रहा हूँ तो ही फायदे में रहेंगे, उसके अलावा कोई चीज़ काम नहीं आएगी। मान लीजिए चीज़ मेरे साथ हो जाए तो मुझे अब ख़रीदना है तो पहले तो माइंड मेकिंग करके मुझे उस चीज़ ख़रीदना है तो ख़रीदना है, मुझे जितनी क्वांटिटी लेनी थी मैं उतनी ले लूँगा। सपोज़ करें कि मुझे 500 शेयर्स लेने ही थे, मैं ले लूँगा। अब मान लीजिए मैंने IRFC 75 रुपये पे, ना तो 90 पे है ना 60 पे, 75 रुपये हो, अब यहाँ से वो या तो डाउनफॉल जाएगा मेरे इन्वेस्टमेंट करने का, अमूमन ऐसा होता है अब इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं शेयर नीचे चलने लगता है और पता चलता है 50 तक पहुँच गया, लेकिन हमने तो इन्वेस्टमेंट कर लिया। तो शेयर में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए आप, आपको जो शेयर खरीदने हैं जितनी क्वांटिटी खरीदी खरीद लीजिए आप। अब शेयर या तो अपट्रैक्स पे जाएगा डाउन ट्रैक्स पे जाएगा, मैं दोनों तरह से बताता हूँ क्या होगा आपके साथ में। अपट्रैक्स पे गया तो आप फायदे में रहेंगे क्योंकि जो आपने सोचा वो हो रहा है, 90 से और ऊपर चला गया, 110 चला गया, 120 चला गया, 150 चला गया, तो आपने जब तक गलती की थी कि आपने 2021 पे नहीं लिया, 35 पे नहीं लिया, 40 पे नहीं लिया, 50 पे नहीं लिया, 60 पे नहीं लिया, लेकिन 75 में ले ही लिया और अब शेयर 150-200 रुपये आ गया और अब आप ये सोच रहे हैं कि हमने सही डिसीजन लिया सही समय पे और अब हम प्रॉफिट में। लेकिन यही शेयर अगर 75 पे आपने लिया, अब ट्रैक्स पे गया तो बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन डाउन ट्रैक्स पे भी आता है, 99% हम ये मानते हैं कि डाउन ट्रैक्स पे आएगा। मान लीजिए वो शेयर 75 में आपने लिया और 60 रुपये आ गया, अब आपको ऐसा लगता है कि अभी और नीचे जाएगा, या आपको ऐसा लगता है कि 60 रुपये कोई खास फर्क नहीं, 10-15 रुपये का फ़र्क है, ये 2-4-5-10 दिन महीने में कवर कर लेगा और ऊपर आ जाएगा, तो आप रहने दीजिए और इन्वेस्ट मत कीजिए। लेकिन अभी 50 पे आ गया तो जितने आपने इन्वेस्टमेंट किया अमाउंट, यानी जितनी क्वांटिटीज खरीदी उतनी और खरीद लीजिए, 50 रुपये पे मान लीजिए मैंने 500 शेयर खरीदे 75 पे, 50 रुपये आ गए तो 500 शेयर और खरीद लूँगा, अब मेरा एवरेज हो गया 62.5 यानी 62-63 रुपये, क्योंकि ये शेयर ऐसा है जिसके फंडामेंटल्स बेटर है, फ्यूचर में अपट्रैक्स पे जाएगा, अच्छे रिटर्न इन्वेस्टर को देगा, तो मुझे इन्वेस्टमेंट करने में सोचना क्या है, फिर मैं 500 शेयर और खरीद लूँगा। ये मान लीजिए 50 से अभी 40 उतर गया, 62 का मेरा एवरेज आ गया, कितना उतर गया 40। अब इसमें इतनी गुंजाइश है कि अगर इसमें डाउनफॉल आया भी तो इतना ही आएगा, 90 रुपये जाने का 40 रुपये आना बहुत बड़ी बात होती है, हम यही मान के चलते इतना आएगा। अब मेरे पास क्वांटिटी कितनी है, 1000, मैं 1000 और ख़रीद लूँगा 40 रुपये पर, 62 से मैंने 40 पे लिया क्योंकि मेरा 75 पे लिया हुआ, 50 पे लिया हुआ, एवरेज 62-63 आ गया, फिर मैंने 40 पे 1000 शेयर खरीदे क्योंकि अब तक मेरे 1000 शेयर हो गए, तो मेरा एवरेज अब कितना आ जाएगा, मेरा एवरेज आएगा 50-51-52 समथिंग। अब 50 रुपये मैंने इन्वेस्टमेंट कर लिया, 90 से डाउनफॉल पे गया, अब 100% श्योरिटी की ये शेयर आज तो कल 6 महीने बाद वापस एक अपट्रैक मूवमेंट लेगा और 100 रुपये तक चला जाएगा,
क्योंकि जाना ही है, फंडामेंटल बैठ रहा, जो मैं सोच रहा था कि इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया इन्वेस्टमेंट भी कर लिया, और डाउनफॉल पे आ गया तो मैंने और खरीद लिया, और एवरेज बना लिया, और नीचे और खरीद लिया, और एवरेज बना लिया। अब सिचुएशन मेरे कंट्रोल में, क्वांटिटी भी ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, जितना सोचा था उससे ज़्यादा है। अब इसको जाने दीजिए ऊपर, आपके हाथ में पूरी पावर होगी अच्छा रिटर्न कमाने की। जो आप कन्फ्यूजन होते थे ना, सोचते रहते कि क्या करना चाहिए, ये वही बात बता रहा हूँ मैं आपको क्या करना चाहिए। अगर और डाउन चला जाए, 30 पे आ जाए, माय डियर मैं उसी शेयर के लिए बोल रहा हूँ कि जिसमें आपको लगता है फंडामेंटल बेटर है, फ्यूचर अपट्रैक्स मूवमेंट आएंगे, शेयर रिस्की नहीं है, बहुत बढ़िया शेयर है, और उसमें आपने ऐसा सौदा करने से छोड़ दिया जो कि इन्वेस्टमेंट को लेकर के आप सोचते रहते थे, उसके लिए बता रहा हूँ मैं ये, जहाँ पे आपको 100% श्योरिटी हो। तो ये और नीचे जाएगा नहीं, और अगर चला गया 30 आ गया गलती से, तो आपके बल्ले बल्ले हैं। अरे सर ये क्या कह रहे हैं आप, बल्ले बल्ले, शेयर तो 30 रुपये आ गया। अरे 2000 क्वांटिटी, 2000 और ले लीजिए। अब आपका एवरेज 35 या 40 के आसपास होएगा, ये 37-38 के आसपास होएगा। अब आप उसी मोड पर आ गए जहाँ से आपकी शुरुआत करनी थी, और इन्वेस्टमेंट आपका जितना सोचा था उससे 4 गुना। अब अगर ये वही ट्रैक्स ले गया, तो आपने जितना सोचा था ना उससे कई गुना प्रॉफिट कमाने की पोजिशन में आएगा। और इस टेक्निक को फॉलो करके कन्फ्यूजन भी रहेगा कि क्या करें, कन्फ्यूज नहीं होना है, जो मैंने बोला है वही करना है, उसी पे सोच समझ करके टेक्निकली यही स्टेप फॉलो करने जो मैंने आपको बताया। तो अगर आपसे कभी ऐसी गलती हो भी जाए, शेयर खरीदना रह भी जाए, अपट्रैक्स पे आ भी जाए, लगे खरीदना चाहिए फिर और अपट्रैक्स में चला जाए, आप वो सोचते रहे, तो क्या करना है ये डिसीजन लेना, मैंने जो आपको बताया, जिस भी मोमेंट आप डिसीजन लेंगे ये, उसके बाद आपको ऐसे करना है, ऊपर जाए तो बहुत बढ़िया, नीचे आए तो एवरेज बनाना है अपने क्वांटिटीज़ का जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंगली, कि कितने पे आप कितना एवरेज बनाना चाहते हो, वो भी बिना डरे बिना सोचे समझे नहीं संकोच होकर के। पैसा तो कहीं नहीं जाएगा, पैसा तो आएगा क्योंकि आपने ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है जिसमें कि आपको करना चाहिए था और जिसमें आप करना भूल गए थे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बन रही मेरे साथ मेरी टेक्निक्स जानने के लिए, कि मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, किस लिए करता हूँ, ताकि आप भी बहुत सारी चीज़ें मेरे चैनल के थ्रू सीख पाएंगे, कंपनी क्या कर रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, अब इसका ये सौदा हो गया, वो हो गया, उसके साथ में ये हो गया, ऐसा अब इसके सेल इतनी आने वाली है, और इसके साथ ये हो गया, ये मर्जर हो रही है, और ये, अरे आपको क्या करना है, आप पहले ये तो समझ लीजिए कि आपको क्या करना है, कंपनी को तो जो करना है वो कर लेगी, कंपनी तो कमाएगी, अब टैक्स पे भी आएगा शेयर, ऑपरेटर भी गेम खेलेंगे चाहे कंपनी में दम ही ना हो, लेकिन आपको क्या करना है, मैं तो आपकी बात करना चाहता हूँ, इसलिए आपका अपना चैनल है ये, जिससे कि इन्वेस्टमेंट संबंधित समझने वाली बातें मैं आपको समझाता हूँ, और आपको क्या करना चाहिए यही चीज़ आपको बताने की पूरी कोशिश करता रहता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बन रही मेरे साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।